हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में और नीट एग्ज़ाम्स में ओके सो स्टार्ट तो इसमें हम पढ़ेंगे सीरियल एक्सट्रैक्शन के बारे में करेक्शन ऑफ डेवलपिंग क्रॉस बाइट और स्पेस रिगेनर ओके okay? लेट्स सबसे पहले इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स का डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है सो इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स डिफाइन एज दैट फेज ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ द ऑर्थोडोंटिक्स एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट पोटेंशियल इरेगुलरिटीज एंड माल पोजिशन ऑफ डेवलपिंग डेंटोफेशियल कॉम्प्लेक्स अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर बच्चे को अगर माल एक्लूजन हो रहा है या इरेगुलरिटीज़ हो रही है तो उस टाइम पे इंटरसेप्ट करना है उस टाइम पे उसको रोकना है और उसका ट्रीटमेंट करना है दैट इज़ योर इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स अर्ली स्टेज में तो ये डेफिनेशन ये बोलता है उसके बाद सीरियल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं वॉट इज सीरियल एक्सट्रैक्शन सो इट इज़ एन इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर यूजअली इनिशिएटेड इन अर्ली मिक्स डेंटिशन तो कब शुरू होता है अर्ली मिक्सड डेंटेशन में हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं नव सेकेंड पॉइंट वेन वन कैन रिकगनाइज एंड एंटीसिपेट पोटेंशियल ई रेगुलैरिटीज़ इन द डेंटोफेशियल कॉम्प्लेक्स इसका मतलब कि जब हम देखेंगे कि अगर ई रेगुलैरिटीज़ है बच्चे में रिकोगनाइज किया हमने तो तभी उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट करना है तभी उसका सीरियल एक्सट्रैक्शन करना है ओके okay? अब थर्ड पॉइंट इट इज़ अ प्लान्ड एक्सट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट याद रखना ये प्लान्ड एक्सट्रैक्शन है ऑफ सर्टेन डेसीडियस एंड लेटर स्पेसिफिक परमानेंट टीथ इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस में सीक्वेंस में हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इसमें डेसीडियस भी इन्वॉल्व होता है और कुछ स्पेसिफिक परमानेंट टीथ भी इन्वॉल्व होते हैं ओके, okay. so, ये था सीरियल एक्सट्रैक्शन। अब जान लेते हैं रेशनल ले। इसका क्या है तो सीरियल एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन टू बेसिक प्रिंसिपल्स एक तो आर्च लेंथ टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। आर्च लेंथ और टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी में वेन एवर देअर इज एन एक्सेस ऑफ टूथ मटेरियल एज कंपेयर टू दी आर्च लेंथ तब हम सीरियल एक्सट्रैक्शन करेंगे अब कैसे मान लीजिए ये एक आर्च है ओके इस पे टूथ साइज़ बड़े हैं या फिर एडिशनल टूथ है या फिर क्राउडिंग टूथ है क्राउडेड है टूथ ओके अब अगर मैं सपोज इस टूथ को निकालता हूँ सीरियल एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ सपोज करो अगर मैं इसको निकालता हूँ तो इससे क्या होगा वो स्पेस बाकी की जो दांत है वो एक्वाइड कर लेंगे और वो एकदम नॉर्मल अक्लूजन में आ जाएगा तो सीरियल एक्सट्रैक्शन इसलिए करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है आर्च लेंथ और टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी ओके तो आर्च लेंथ और टूथ के मटेरियल में डिस्क्रिपेंसी हो गया ओके नाउ सेकेंड प्रिंसिपल जो है रेशनल ए इज फिजोलॉजिक टूथ मूवमेंट इसमें क्या है देखते हैं ह्यूमन डेंटिशन शो अ फिजोलॉजिकल टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड एक्सट्रैक्शन स्पेस जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जो एक्सट्रैक्टेड स्पेस होता है वहाँ पे जो न्यूली इरप्टेड टूथ है वो चले जाते हैं उस एरिया को एक्वाइड कर लेते हैं स्पेस को सो सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ सम टीथ आर टीथ द रेस्ट ऑफ द टीथ विच आर इन प्रोसेस ऑफ इरप्शन आर गाइडेड बाय नेचुरल फोर्स इन टू द एक्सट्रैक्शन स्पेस सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया वही बोल रहा है कि वो उस स्पेस को एक्वाइड कर लेगा नेचुरल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस से तो अगर जो टूथ हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो उस स्पेस पे जो बाकी के इरप्टिंग टूथ हैं वो एक्वाइड कर लेंगे नेचुरली तो सीरियल एक्सट्रैक्शन से ये बेनिफिट है अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ सीरियल एक्सट्रैक्शन की तो सबसे पहले ये क्लास टू एंड क्लास थ्री मालक्लूजन विद स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ में नहीं करते हैं तो क्लास टू एंड क्लास थ्री माल एक्लूजन अगर हुआ तो वहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे स्पेस डिडेंटिशन होगा तो वहाँ भी इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडेसन अफकोर्स पहले से ही अगर स्पेस है तो क्यों बेवजह और दांत को निकालना है एनोडॉन्श दांत ही नहीं है जब ऑलिगोड बहुत कम दांत है तो क्यों अननेसेसरीली सीढ़ी एक्सट्रैक्शन करना है ओपन बाइट डीप बाइट इस कंडीशन में भी नहीं करना है मिडलाइन डाइस्टीमा अगर पहले से ही स्पेस है इन बिटवीन देंट्रल इन साइज तो क्यों निकालना है विफालतू में और दूसरे दांत को तो इसलिए नहीं निकालना है वहाँ भी क्लास वन मालक्लूजन विद मिनिमल डेफिशेंसी अगर क्लास वन माल एक्लूजन है और मिनिमल डेफिशियंसी है तो अननेसरिली अगर हम टीथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ज़्यादा स्पेस और बढ़ जाएगा तो नहीं निकालना है वहाँ भी अनइरप्टेड माल फॉर्म टूथ वहाँ भी नहीं करना है एक्सटेंसिव केरीज अगर ज़्यादा ही कुछ केरीज है वैसे ही दांत टूटने वाले हैं वैसे ही केरियस डिस्ट्रक्शन होने वाला है ऊपर से और निकाल दोगे तो और स्पेस हो जाएगा तो वहाँ भी नहीं करना है देन माइल्ड डिस्प्रपोर्शन बिटवीन आर्च लेंथ एंड टूथ मटीरियल दैट कैन बी ट्रीटेड बाई प्रोक्मल स्ट्रिपिंग अगर माइल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन है तो अगर प्रोज्जिमल स्ट्रिपिंग करेंगे प्रॉग्जिमल स्ट्रिपिंग मतलब अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो दांत को घिस देना तो उगर उससे काम बन रहा है तो वाई वी डू सीरियल एक्सट्रैक्शन क्यों एक्सट्रैक्शन करना है सो so, अब बात करते हैं एडवांटेज की तो एडवांटेज में यहाँ पे ट्रीटमेंट इज मोर फिजोलॉजिक अब सो so, ये फिजोलॉजिक कैसे हुआ अब बिकॉज जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जो नॉर्मली टीथ जो परमानेंट टीथ इरप्ट हो रहा है वो फिजोलॉजिकली फोर्स लगा के अब उस जगह पे चला जाएगा एक्सट्रैक्टेड एरिया में तो इसलिए फिजोलॉजिकली हो रहा है तो इसलिए ट्रीटमेंट इज़ मोर फिजोलॉजिक अब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कैसे अगर पेशेंट को माल मालकलूजन होगा तो उससे उसकी वजह से और सीवियर प्रॉब्लम्स होंगे फिर मोर ऑर्थोटेटिकली फिक्स्ड वायर्स लगेंगे एट द लेटर स्टेज इससे बेटर है कि पहले अगर सीरियल एक्सट्रैक्शन कर दिया जाए तो उसको मोर क्राउडिंग मोर ट्रीटमेंट का खर्चा वर्चा नहीं लगेगा नाउ बेटर ओरल हाइजीन ऑफकोर्स अगर क्राउडेड टीथ है अगर हमने निकाल दिया नाथ को तो बेटर ओरल हाइजीन प्लाग एक्यूमलेट नहीं होगा दूसरा हेल्थ ऑफ इन्वेस्टिंग टिश्यू इज प्रिजर्वड अगर माल अक्लूजन नहीं है अगर तो जेंजावाइटिज़ नहीं होगा पेरोडोंटल डिस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो जिसकी वजह से जो हेल्थ है वो टिश्यू की वो प्रिजर्वड रहेगी तो ये सब एडवांटेज था अब डिसएडवांटेज भी है क्या है देखते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड क्लिनिकल जजमेंट सीरियल एक्सट्रैक्शन के लिए क्लिनिकल जजमेंट जरूरी है कि कौन सा टीथ कौन से स्टेज में इरप्ट हो रहा है कौन से एज में इरप्ट हो रहा है तो ये जजमेंट बहुत ज़रूरी है देन ट्रीटमेंट टाइम इज़ प्रोलॉन्ग एज द ट्रीटमेंट इज़ कैरीड आउट इन स्टेज स्प्रेड ओवर थ्री टू टू ईयर्स टू टू थ्री ईयर्स लग जाते हैं इसको क्योंकि एक्सट्रैक्शन किया देन वो टूथ दो तो 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 से तीन साल बाद इरप्ट होगा फिर वो तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है देन पेशेंट ऑपरेशन पेशेंट को भी करना चाहिए अगर पेशेंट नहीं चाह रहा है कि एक्सट्रैक्शन करना तो अननेसेसरीली आप नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट कोपरेशन इज मस्ट देन डेवलपिंग टंग थ्रस्ट अब कैसे अब मैंने सीरियल एक्सट्रैक्शन मान लो कर दिया एक दांत में और पेशेंट क्या कर रहा है बार बार उस एरिया में टंग लेके जा रहा है बार बार प्लेस कर रहा है तो वो टंग थ्रस्टिंग हैबिट हो जाएगी उसको तो एक डिसएडवांटेज हो गया अब डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस प्रोसीजर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो उसमें से तीन मेथड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं हमेशा वो या नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पहला ड्यूएल्स मेथड दूसरा ट्वीड एंड तीसरा नैन्स अब देखते हैं एक एक करके तो पहला जो मेथड है ड्यूएल्स मेथड इसने क्या किया थ्री स्टेप सीरियल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर किया तो पहले स्टेप में इसने क्या किया डेसीडियस कैनाइन एक्स्ट्रैक्टेड टू क्रिएट स्पेस फॉर अलाइनमेंट ऑफ दी इंसाइजर्स तो सबसे पहले इसने क्या किया डेसीडियस कैनाइन को एक्स्ट्रैक्ट किया क्यों किया एक्सट्रैक्ट सो दैट स्पेस फॉर द अलाइनमेंट ऑफ इंसाइजर्स आ सके और ये कब किया एट टू नाइन ईयर्स ऑफ एज में अब आपको समझ में आएगा क्लियरली इस डाइग्राम से जो बालाजी टेक्सट बुक में दिया हुआ है वेरी ईजी नाउ अंडरस्टैंड सबसे पहले ड्यूवेल्स ने क्या निकाला कैनाइन को इस वाले केनाइन को डेसीडियस कैनाइन को निकाला क्यों निकाला बिकॉज ये जो इंसाइजर्स आप देख रहे हैं इंसाइजर्स अलाइंड हो सके अच्छे से ओके नॉर्मल एक्लूजन में आ सके इसी वजह से इस प्राइमरी केनाइन को निकाला पहला स्टेप डेसीडियस कनाइन एक्सट्रैक्टेड टू क्रिएट स्पेस फॉर अलाइनमेंट ऑफ द इंसाइजर्स अब दूसरा स्टेप दूसरे स्टेप में डेसीडियस फर्स्ट मोलर आर एक्सट्रैक्टेड सो दैट द इप्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर इज एक्सेलरेटेड अब दूसरे स्टेप में उसने डेसीडियस फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्ट किया ये देखो इसमें इसने डेसीडियस फर्स्ट मोलर को एक्सट्रैक्ट किया ताकि प्रीमोलर आ सके ये प्रीमोलर उस प्लेस में आ सके ओके नाउ थर्ड स्टेप में क्या किया एक्सट्रैक्शन ऑफ इरप्टिंग फर्स्ट प्रीमोलर सो द सो टू परमिट सॉरी सो टू परमिट द परमानेंट कनाइन टू इरप्ट इन प्लेस अब इसने क्या किया थर्ड स्टेप में प्रीमोलर को फर्स्ट प्रीमोलर सॉरी फर्स्ट सॉरी प्रीमोलर को एक्सट्रैक्ट किया जिसकी वजह से कनाइन इरप्ट हो सके तो इसको और इसको फर्स्ट प्रीमोलर को एक्सट्रैक्ट किया ताकि ये जो कैनाइन है वो अलाइंड हो सके तो गाइज ये था ड्यूवेल्स का मेथड आई होप आप समझ गए होंगे तो इसमें कैसे कैसे एक्सट्रैक्शन किया है इसने सबसे पहले उसने कैनाइन सी फिर उसके बाद मोलर डी देन एक्सट्रैक्शन फोर तो सी डी फोर तो इसका सीक्वेंस क्या हो गया सी डी फोर ओके अब आगे बढ़ते हैं ट्वीट्स मेथड। अब ट्वीट्स ने कैसा किया एक्सट्रैक्शन? तो ट्वीट्स ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ डेसीडियस फर्स्ट मोलर अराउंड एट ईयर्स उसने पहले एट ईयर्स में मोलर्स को निकाला सबसे पहले उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर एंड डेसीडियस कैनाइन तो इसके बाद क्या किया उसने सबसे पहले तो मोलर्स को निकाला फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ डेसिडियस मोलर उसके बाद उसने साइमटेनियसली फर्स्ट प्रीमोलर और डेसीडियस कैनाइन को निकाल दिया इस फिगर में आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रीमोलर एंड प्राइमरी कैनाइन दिस इज प्रीमोलर दिस इज प्रीमोलर दिस इज कैनाइन डेसिडियस कैनाइन इसको साइमटेनियसली निकाला ओके सो दिस इज योर ट्विट्ज मेथड तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है वो डी फोर सी क्योंकि पहले उसने डेसीडियस को निकाला डी को मोलर uh, को दैट इज डी देन उसने प्री मोलर को निकाला देन उसने डेसिडियस कनाइन को निकाला तो डी फोर सी इसका सीक्वेंस हो जाता है नाउ थर्ड मेथड की बात करें नैन्स तो ये सिमिलर है ट्विड्स टेक्निक से तो गाइज आपको समझ आ गया होगा अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे मैं और आसानी से आपको समझाऊंगा ये वीडियो सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट माई लेटेस्ट वीडियो थैंक यू गाइज़